हेलो एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे CSMACD, दैट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, कैसे काम करता है। उसमें हमने तीन डिफरेंट परसिस्टेंट मेथड्स को भी स्टडी किया था। सो आज हम देखते हैं पहला एल्गोरिदम, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। तो उसकी थ्योरी और उसका फ्लो डायग्राम पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि कोलिजन ऑफ फर्स्ट बिट इन CSMACD का मतलब क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ABCD 4 चैनल्स हैं हमारे पास और यहाँ पे नीचे टाइम है, और एक एक करके ये सब अपने सेंस करते हैं चैनल को, मीडियम को, ताकि वो अपने फ्रेम्स को भेज सकें। तो सपोज़ एट दिस सिचुएशन टाइम T1 पे ए ने सेंस किया मीडियम, क्योंकि ये फ्री है, आइडियल है मीडियम, तो ए ने अपनी फर्स्ट बिट ट्रांसमिट कर दी। तो फर्स्ट बिट ट्रांसमिट की, सपोज़ वो ऐसे ट्रांसमिट किया उसने, और एट एनी टाइम लेट्स से T4 वो सेकेंड पोजिशन पे या जहाँ पे डी सेंस करेगा वहाँ तक पहुँचती है। अब एट टाइम T2 लेट से हेयर सी ने भी सेंस किया मीडियम। अब सी को देखो, यहाँ पे इस एरिया में कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, तो सी को भी लगा कि जो मीडियम है, चैनल है, वो आइडियल है, तो सी ने भी अपनी फर्स्ट बिट ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। तो सी ने ट्रांसमिट किया, यहाँ पे पहुँच गया T3 पे, और यहाँ से यहाँ पे पहुँचा वो एट एनी टाइम लेट से T5। तो अब देखो कोलिजन कहाँ पे हो रहा है। सी ने जब सेंस करना शुरू किया तो सी ए के सिग्नल को कहाँ पे सेंस करेगा, एट दिस पोजिशन। तो यहाँ पे जब सी ने सेंस किया कि ठीक है, एक और चैनल है जो अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है, तो सी यहाँ पे सी सेंसेस कोलिजन एंड अबाउट द ट्रांसमिशन। तो सी यहाँ पे कोलिजन को सेंस करेगा और जो अपना ट्रांसमिशन है उसको अबाउट कर देगा। सिमिलरली ए कब सेंस करेगा कि एक और चैनल पैकेट भेज रहे हैं, वो सेंस करेगा एट टाइम T5। तो एट दिस पॉइंट ऑल्सो ए सेंसेस एंड अबाउट्स द ट्रांसमिशन। सो बेसिकली CSMACD में क्या होता है, अ स्टेशन मॉनिटर्स द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स अ फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसमिशन वॉज सक्सेसफुल और नॉट। इफ द ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल द स्टेशन फिनिशेज द वर्क। हाउएवर इफ अ कोलिजन इज डिटेक्टेड देन द फ्रेम इज सेंट अगेन। ठीक है, सो एक्चुअली में CSMACD में क्या होता है कि जैसे ए ने पैकेट भेज दिया T1 पे, उसके बाद ये नहीं है कि ए सेंस नहीं करेगा, ए उसके बाद भी सेंस करता रहेगा। या तो पहले ये पहुंच जाए अपनी डेस्टिनेशन पे तो ठीक है, अगर उसके पहुंचने से पहले ए दोबारा से कोलिजन को सेंस कर लेता है, किसी दूसरे पैकेट को सेंस कर लेता है, तो वो अपना फ्रेम दोबारा से सेंड करेगा। सो दिस इज CSMACD, कोलिजन डिटेक्शन। सो इसकी थ्योरी मैं बाद में लिखता हूँ, पहले एक बार देखते हैं कि इसका फ्लो डायग्राम कैसे है, कैसे ये काम करता है। सो सबसे पहले स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं K, जिसको हम शुरू में जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। सो K इज़ नथिंग बट इट इज़ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो जो के है, के इज नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, कि एक स्टेशन ने कितने अटैम्प्ट लिए पैकेट को या फ्रेम को भेजने के लिए। देन अप्लाई एनी वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड्स। जो जो परसिस्टेंट मेथड हमने पढ़े थे उनमें से कोई सा भी परसिस्टेंट मेथड अप्लाई करते हैं। अप्लाई एनी वन ऑफ द परसिस्टेंट मेथड्स। Then if it is eligible for transmission,
एक सिचुएशन को हम चेक करते हैं, या तो देखो कौन कौन सी सिचुएशन है, या तो ट्रांसमिशन पहली बिट का हो गया है या फिर उसने कोलिजन को डिटेक्ट किया है। सो दो सिचुएशन है, या तो ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्टेड, ठीक है ना, या तो ट्रांसमिशन पूरा हो गया या फिर कोलिजन डिटेक्ट हुआ है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, इफ इट सेज नो, तो क्या करेंगे हम, वी विल ट्रांसमिट एंड रिसीव, कि ठीक है कोलिजन नहीं हुआ और ट्रांसमिशन मेरा पूरा नहीं हुआ तो मैं दोबारा से ट्रांसमिट और रिसीव करूंगा। तो इसको मैं ऐसे लूप में चलाता रहूंगा जब तक कि मेरे एक फ्रेम के सारे बिट्स ट्रांसमिट ना हो जाएं, मैं चलाता रहूंगा, क्योंकि कोई कोलिजन तो डिटेक्ट नहीं हो रहा यहां पे इस वक्त। देन यस इफ देर इज अ कोलिजन, अगर यहां पे ये कोलिजन को डिटेक्ट करता है, तो अगेन वी विल सी कोलिजन डिटेक्टेड अगर नो है, कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स सक्सेस इज डन। अब देखो क्या है, ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्टेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स से ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया, सारी बिट्स ट्रांसफर हो गई, तो यहाँ पे आके दोबारा वो चेक करेगा एक कंडीशन की क्या कोलिजन हुआ है, क्योंकि उसको नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन ट्रू हुई है। अगर कोलिजन नहीं हुआ है दैट मीन्स सक्सेस हमारा सारा ट्रांसमिट हो चुका है। अगर कोलिजन डिटेक्ट हुआ है, लेट्स से दिस इज यस, तो इसमें क्या होगा कि ये वाला जो फ्रेम है जो सेंस कर रहा है वो एक जैमिंग सिग्नल भेजेगा सब स्टेशन के पास। सो इट सेंड्स अ जैमिंग सिग्नल। जैमिंग सिग्नल का मतलब है कि ठीक है मैंने कोलिजन डिटेक्ट कर लिया है, अब आप भी कोई फ्रेम ना भेजो क्योंकि जो मीडियम है उसमें कोई कोलिजन हो गया है। देन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करना है, और एक हम के मैक्स को डिटरमाइन करके रखते हैं, पहले से तय करके रखते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो पॉसिबल हैं, तो उसको चेक करेंगे वेदर के इज ग्रेटर देन के मैक्स। अगर यस कि ठीक है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट्स से ज़्यादा हो गए हैं, तो अबॉर्ट, सिंपल अबॉर्ट कर देना है उस सिचुएशन में। अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, तो चूज अ रेंडम नंबर आर बिटवीन 0 एंड 2 टू द पावर के माइनस 1, देन चूज रेंडम नंबर आर बिटवीन 0 टू 2 टू द पावर के माइनस 1, ठीक है। सो एक रैंडम नंबर आपको चूज करना है आर, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 2 की पावर के माइनस 1 तक होगी। देन यू हैव टू वेट फॉर टी बी टाइम, वेयर टी बी इज इक्वल्स टू आर इंटू टी पी, और टी पी क्या है, प्रोपोगेशन टाइम। सो इतने टाइम को वेट करने के बाद दोबारा से आप ये पूरा प्रोसेस करोगे। सो दिस इज सी एस एम ए सी डी और करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। सो देखो अब इस फ्लो डायग्राम को आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है याद करना, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको देखो और इसको आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बना दिए कि ठीक है ए 5 बार ट्राई कर सकता है भेजने के लिए फ्रेम को। ए ने पहला अटेम्प्ट लिया जब के 0 है, ए ने फ्रेम भेजा, उसने कोई भी एक परसिस्टेंट मेथड्स लगाएगा 1p या नॉन परसिस्टेंट, ठीक है। देन ए के पास सपोज 4 बिट्स हैं और एक एक करके वो चारों बिट को ट्रांसमिट करेगा, तो उसने ट्रांसमिट करना शुरू किया। पहली बिट सपोज ट्रांसमिट हो गई विदाउट एनी कोलिजन, तो इसमें आया ट्रांसमिशन डन नहीं, क्योंकि 4 बिट हैं अभी, तो पहली हुई है, तो देन अगेन ट्रांसमिट दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई। सपोज चारों बिट ट्रांसमिट हो गई, कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो हम कैसे में आएंगे, ट्रांसमिशन डन और कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है इनमें से एक कोई ट्रू होगा, तो हमने कहा यस ट्रांसमिशन डन। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या कोलिजन हुआ था, नहीं, क्योंकि चारों बिट ट्रांसमिट हो गई, कोई कोलिजन नहीं हुआ, देन सक्सेस। नाउ लेट अस सपोज आफ्टर 3 बिट्स देर इज अ कोलिजन, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हो गया, तो यस में आ गए। अब ए क्या करेगा, ए बाकी सबको भी बता देगा कि भाई देखो कोलिजन हुआ है, और वो कैसे बताएगा, बाय सेंडिंग अ जैमिंग सिग्नल।
कि सारे स्टेशन को पता लग जाए कि एक कोलिजन अकर हुआ है, तो आप भी अपने अपने फ्रेम्स को मत भेजो, क्योंकि बाकी भी अगर फ्रेम भेजेंगे तो कोलिजन ही होगा। ठीक है, नाउ लेट से के की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी हमने, अब के की वैल्यू हो गई 1, कि ठीक है पहला अटैम्प्ट हो गया, अब तुम्हारा दूसरा अटैम्प्ट है। और फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या हम मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट तक पहुँच चुके हैं, अगर पहुँच चुके हैं तो अबॉर्ट कर देंगे, नहीं तो एक रैंडम नंबर चूज़ करना है आर, जिसकी वैल्यू 0 से 2 की पावर k-1 होगी, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करना है, जिसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो आपने नंबर निकाला था इनटू मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम, इतना वेट करने के बाद दोबारा से ये पूरा प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि ए की सारी बिट्स ट्रांसमिट ना हो जाएं। अगर ट्रांसमिट नहीं हो रही है, बार बार कोलिजन हो रहा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तक पहुंचने के बाद आप उसे सिंपल अबॉर्ट कर दोगे। सो दिस इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस सीडी। अब मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। सो दिस इज द बेसिक थ्योरी। इट सेज इन दिस अ स्टेशन मॉनिटर्स द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स द फ्रेम ऑल्सो टू सी इफ द ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल, इफ सो द स्टेशन इज फिनिश्ड वर्क, अगर ट्रांसमिशन हो गया तो स्टेशन का काम कंप्लीट, एल्स इफ देर इज अ कोलिजन द फ्रेम इज सेंट अगेन। और वही हमने पूरा यहाँ पे इसके फ्लो डायग्राम में भी देखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड फ्लो डायग्राम ऑफ CSMA CD। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।